जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम सिक्वेंसल सीरीज के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करेंगे। उसका नाम है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैंने इसके पहले आपको तीन चार वीडियो बना करके दिए हैं, छोटे छोटे वीडियो मैंने बना करके दिए हैं। छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे और कम समय में ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको मिल पाएँ, यही हमारा पर्पज है। इसलिए हम आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके दे रहे हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे उसका प्लेलिस्ट बना रखा है और उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर हमारे जो अपकमिंग पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आपको हमारे वीडियो को लगातार देखना ज़रूरी है। सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करेंगे एचपी को लेकर के। एचपी को लेकर के यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। बनते भी हैं तो छोटे मोटे बनते हैं। हमारे एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम जो सवाल बनता है वो बनता है एपी और जीपी को लेकर के। लेकिन फिर भी हम एचपी तो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि एचपी का भी रोल होता है एग्ज़ाम में। तो बगैर कोई समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं एचपी का, और केवल हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको एसपी के पूरे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे एसपी होता क्या है। अगर हम एसपी की बात करें, यहाँ पे एसपी जो होता है बेटा वो एपी का उल्टा होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक है। जो एचपी होता है बेटा वो एपी का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। किसका? एपी का उल्टा। कहने का मतलब यह है कि अगर एपी अगर 1 2 3 है तो एचपी क्या हो जाएगा बेटा? इसका उल्टा हो जाता है इस तरीके से। यानी अगर है 1 है तो 1/1 हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, 6 हो जाएगा ये, यानी 6 3 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना? 6 3 2 इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ध्यान रखिएगा कि एपी जब भी एचपी की बात होगी तो एपी का जो उल्टा होता है, एपी का जो रेसिप्रोकल होता है वही कहलाता है एचपी कहलाता है। ठीक है, आप यहां तक शुरुआत कर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहां पे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, नोट नोट लिखिए, नोट नोट है कि अगर एबीसी अगर एचपी में है, नोट क्या है कि अगर एबीसी अगर एचपी में है तो बी इज इक्वल टू होता है बेटा 2AC/A+C होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर एबीसी क्या है, अगर एचपी में है तो क्या होता है? 2AC, बी इज इक्वल टू क्या होता है? 2AC/A+C होता है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात, अगर ए बी सी यहां पे अगर ए और बी अगर ये एचपी में है, यानी अगर कोई दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, अगर कोई दो नंबर हैं, ठीक है, अगर कोई दो नंबर गिवन है, कोई दो नंबर अगर गिवन है, ए एंड बी आर टू गिवन नंबर, देन एच पी इज इक्वल टू होता है ये 2AB/A+B होता है। एच पी क्या होता है? 2AB/A+B होता है ये। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं? ठीक है बेटा, आप इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए पहले।
ध्यान रखना कि जो एपी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, एचपी होता है, ध्यान रखना। अगर आपने ढंग से अगर एपी पढ़ लिया तो एचपी के सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? आपके मतलब की चीज सिर्फ इतनी है, बाकी इससे अधिक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। जैसे क्वेश्चन यहां पे है, एक क्वेश्चन है यहां पे बेटा, एक यहां पे क्वेश्चन है, द हार्मोनिक मीन ऑफ, क्या कहा गया है लिख लिया ना, क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ, क्वेश्चन है यहां पे हार्मोनिक मीन ऑफ क्या है बेटा, यहां पे ए अपॉन वन माइनस ए बी, एंड ए अपॉन वन प्लस ए बी, ये कहा गया ए अपॉन वन माइनस ए बी, ए अपॉन वन प्लस ए बी कहा गया है। ऑप्शन में क्या है बेटा, वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये। दूसरे ऑप्शन की बात करें बेटा, यहां पे ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, ए अपॉन रूट वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगला ऑप्शन ए है, अगला ऑप्शन ये है, ये दिया गया है, ये पूछे गए सवाल हैं, ये एनडीए 2017 का पूछा गया सवाल है। ये क्या कहा गया बेटा, एनडीए 2017 का पूछा गया सवाल है, ठीक है? समझ गए हैं ये? हार्मोनिक मीन क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी के, यही तो बताया गया आपको। जब भी दो नंबर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप उसका हार्मोनिक मीन बताइए, तो क्या करते हैं, ये बेटा ए है, ये ए है टोटल, ये बी है, तो क्या होता है फार्मूला, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, टू ए बी दो ए अपॉन वन माइनस ए बी, ए अपॉन वन प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी के, ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए अपॉन वन माइनस ए बी प्लस ए अपॉन वन प्लस ए बी, ये कहा गया है, ठीक है? यहां तक टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही तो हो जाएगा ये। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, यहां पे ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वन माइनस ए बी वन प्लस ए बी, नीचे बड़ा सा अपॉन, और ये हो जाएगा बेटा, अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, ऐसे तो होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे, यहां पे हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन वन माइनस ए बी वन प्लस ए बी, ये तो है, आप समझ गए ना? यहां पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है? अब आप देखेंगे इसे कट जाएगा, ये कौन कौन सा कटेगा, इतना और इतना, ये कट जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी कट जाएगा, टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, यहां पे टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, यानी a हो जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो d ऑप्शन दे देगा, वो क्या दे देगा, d ऑप्शन दे देगा ये। इतनी बातें आई समझ में जो मैंने लिखा है यहां पे? बताओ भाई,
बढ़ा जाए आगे, देखिए यहाँ पे क्लियर है। तो हार्मोनिक जब भी जो है एचपी की बात होगी तो बेटा हम इसको ऐसे लगाते हैं, एचपी से लेकर के ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, जब भी पूछे जाते हैं एपी जीपी से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एचपी के बाद में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज लिख लीजिए आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, देखेंगे। देखो भाई कैलकुलेशन पे आप ध्यान दो, अगर आप कैलकुलेशन पे नहीं ध्यान देंगे बेटा आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कैलकुलेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। देखेंगे यहां पे एक बात और, देखेंगे बेटा यहां पे नोट नोट लिखेंगे यहां पे नोट। एक चीज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं यहां पे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 कहां तक n तक, ये होता है बेटा n n प्लस 1/2 होता है, ध्यान रखना। अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n n प्लस 1/2 होता है। अगर हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n के स्क्वायर की बात करें, ये क्या होता है, होता है n n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर करें तो n n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ये सम की बात करें यानी सम ऑफ क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है ये। और एक और होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहां तक n का क्यूब, ये होता है बेटा यहां पे n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है, n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीजें तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको इतना सब नहीं पढ़ना है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो कि हमारे NDA के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फालतू चीजें मैं नहीं बता रहा हूं यहां पे। ध्यान रखिएगा सम ऑफ जो है नेचुरल नंबर क्या होता है, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर n n प्लस 1/2, ये अगर हम स्क्वायर की बात करें ये होता है, क्यूब्स की बात करें बेटा n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है। यहां तक आप समझ गए हैं, समझ गए हैं बताइए, ठीक है बेटा आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है एक चीज एक और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे एक और चीज है यहां पे, नोट ध्यान रखिएगा, जो एम होता है वह जीएम से बड़ा होता है और एचएम से बड़ा होता है। जो एम होता है ग्रेटर देन इक्वल देन जीएम और ग्रेटर देन इक्वल देन एचएम होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है यहां पे। अब जरा इसको होमवर्क लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आपके लिए होमवर्क है, और आप इसको लगाना घर पे नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। यहां पे कहा गया है इफ एच इज द हार्मोनिक मीन, क्वेश्चन क्या है, इफ एच इज द हार्मोनिक मीन, एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन P एंड Q, ये कहा गया है, देन देन H अपॉन P H अपॉन Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरे ऑप्शन की बात करें यहां पे PQ अपॉन P प्लस Q है,
तीसरे ऑप्शन की बात करें पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू है, अगले ऑप्शन की बात करें तो नन है, यह दिया गया है। इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू देन एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, नन, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। हो जाएगा ठीक, हो जाएगा नहीं ये? आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्व करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दिखेगा, अगर आपको आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता है तो भी आप जवाब देने की कोशिश करें, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक, यहीं पे एसपी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो जो भी आपके जानने वाले हों, पहचानने वाले हों, जो भी आपके पास कलीग्स हों, आप सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि सिक्वेंस सीरीज में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ने से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, किन किन चीज़ों को पढ़ने से आपका एनडीए क्वालिफाई होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, किसी को देना है, तो आप हमारा वीडियो, हमारा चैनल देखें और फॉरवर्ड भी करें और इसको आगे पहुँचाएँ। ठीक, देखो कंटेंट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। बाकी अगर आपको मैंने बताया कि अगर आपको मज़ा आ रहा है तो जो भी आपके जानने वाले हों, पहचानने वाले, सभी के पास फॉरवर्ड करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो बेटा आपको सारे वीडियो, सारे पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है सारी चीज़ें विधिवत ढंग से हो पाएंगी। ठीक है, बाकी एक महत्वपूर्ण सूचना मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फुल कंटेंट के लिए जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, दून ऑफिसर अकेडमी आना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन करके हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में पता कर लीजिए। ऑफलाइन बैच का बेटा अलग ही मज़ा होता है, बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, वाकई में अगर आप डेडिकेटेड हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएँ, यकीन मानिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा और इसमें हम आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो वेलकम है आप सभी लोगों का। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।